Hello and welcome. As you know, my name is MD Taqi Anwar and you are watching Advanced LearnX. And today we will learn what is the uses of models in grammar. जी हाँ फ्रेंड, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं. आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि मॉडल्स का ग्रामर में क्या यूज है. सबसे पहले मैं यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपके पास ग्रामर का जो बेसिक नॉलेज होता है वो होना बहुत ही जरूरी है. अगर आप एडवांस नॉलेज भी अचीवमेंट कर लेते तो यार बहुत अच्छी बात है, बट उतना आप नहीं कर सकते हैं. तो इतना तो जरूर कर सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में जो ग्रामर का जो बेसिक नॉलेज है उसको कम से कम आप लोग गेन करें, अचीवमेंट करें, ताकि आपका जो इंग्लिश का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत जल्द इंप्रूव हो जाएगा उसे ऐसा करने से. मैं फिर से रिपीट कर दूं कि अगर बहुत सारे फ्रेंड को ऐसा लगता है कि मतलब इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर की कोई वैल्यू नहीं है, तो अगर इस तरह का किसी भी फ्रेंड का मेंटेलिटी है तो ये बिल्कुल गलत है और ये 100% रॉन्ग है. इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर का कम से कम बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है. अगर आप एडवांस नॉलेज भी लेते हैं ग्रामर का तो ये और अच्छी बात है, बट उतना आप नहीं कर सकते हैं. तो इतना तो जरूर कर सकते हैं कि ग्रामर का जो बेसिक नॉलेज है वो कम से कम उसका नॉलेज आप लोग ले लें तो ये बहुत अच्छी बात है. अगर किसी फ्रेंड को ऐसा लगता है कि हम वर्ड के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हम इंग्लिश बोल लेंगे, अगर आप लोग इंग्लिश बोल भी लेते हैं बट आपका जो सेंटेंस रहेगा वो टोटली 100% रॉन्ग रहेगा, तो इसलिए अगर किसी भी फ्रेंड का ऐसा मेंटेलिटी है कि हम लोग तो वर्ड का कॉम्बिनेशन बना के सेंटेंस बना के इंग्लिश बोल लेते हैं, बट अगर आप इंग्लिश बोल भी आप लेते हैं तो वो ग्रामेटिकल बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है. आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं. इसके लिए मैं यहाँ पे आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कम से कम अगर आप लोग एडवांस ग्रामर का नॉलेज लेते हैं तो ये अच्छी बात है. अगर आप लोग एडवांस ग्रामर का नॉलेज नहीं ले पाते हैं तो मैं आपको सजेशन देना चाहता हूं कि आप लोग कम से कम बेसिक नॉलेज ले लें ग्रामर का, ताकि आपका जो इंग्लिश रहे वो 100% करेक्ट रहे. तो चलिए मैं यहां पे अपने टॉपिक पे आ जाता हूं. आज का मेरा टॉपिक ये था कि इंग्लिश ग्रामर में मॉडल्स का क्या यूज है. आज के इस वीडियो में मॉडल्स में हमारा टॉपिक ये है कमांड, रिक्वेस्ट, परमिशन, एडवाइस और प्रोबेबिलिटी. आज का जो हमारा टॉपिक है मॉडल्स, और आज के जो मॉडल्स में हम लोग का जो टॉपिक मेन टॉपिक होने वाला है वो हम लोग का सबसे पहला है कि मतलब कमांड. जब हम लोग किसी को कमांड देते हैं, जब हम लोग किसी को इंस्ट्रक्शन या आदेश देते हैं, तो उस कंडीशन में बहुत सारे मॉडल्स का यूज किया जाता है, जो कि मैं अभी अपना कंप्यूटर स्क्रीन ऑन करूंगा तो वहां पे आपको एग्जांपल के साथ साथ समझाऊंगा. और दूसरा होता है परमिशन. जब हम लोग किसी से परमिशन लेते हैं तो उस कंडीशन में बहुत सारे मॉडल्स यूज किए जाते हैं, जो कि मैं उससे भी एग्जाम्पल देकर आपको अभी जस्ट बताऊंगा. उसके बाद हम लोग चलते हैं कमांड हो गया, परमिशन हो गया, उसके बाद रिक्वेस्ट. जब हम लोग किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तिजा करते हैं, तो उस कंडीशन में भी बड़े सारे मॉडल्स के यूज होते हैं, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा. प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब होता है कि संभावना. सपोज कीजिए कि जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि बारिश होने की संभावना है, ये एक एग्जांपल हो गया. तो जब भी किसी सेंटेंस में संभावना होगा कि ये होने का संभावना है, वो होने का संभावना है, इंडिया को मतलब आज मैच जीतने का संभावना, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो, तो आप लोग नॉर्मली ये समझ लें प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना. जब किसी सेंटेंस में हम लोग बोलते हैं संभावना यूज करते हैं तो उस कंडीशन में उसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी. अगर हम लोग इस तरह से बोलते हैं कि आज बारिश होने की संभावना है, या हम लोग अगर ये बोल सकते हैं कि आज मतलब इंडिया को मैच जीतने की संभावना है, तो संभावना वाले सेंटेंस में प्रोबेबिलिटी का यूज होता है. प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना. आप लोग नॉर्मली ये याद रखें. प्रोबेबिलिटी वाले सेंटेंस बनाने के लिए बड़े सारे मॉडल्स यूज किए जाते हैं, जो कि मैं जब अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जाऊंगा अभी तो वहां पे मैं सबको डिस्क्राइब करूंगा और सब पे एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा. और सबसे लास्ट आज का हमारा टॉपिक है एडवाइस. जब हम लोग किसी को एडवाइस देते हैं तो उस कंडीशन में भी बड़े सारे मॉडल्स यूज किए जाते हैं, जो कि मैं अभी आपको उस पे एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगा, तो आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा. तो चलिए आप अपना नोटबुक और पेन उठा लें और मेरे साथ नोट करते रहें. तो इसी के साथ हम लोग चलेंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और इसको हम लोग ऑन करने वाले हैं, अभी जस्ट ऑन करने वाले हैं. तो आप लोग अपना नोटबुक और पेन अपने हाथ में ले लें. तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि मॉडल्स का इंग्लिश ग्रामर में क्या यूज है. जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा कंप्यूटर जो है वो ऑन हो चुका है, तो इसी के साथ आप लोग अपना नोटबुक और पेन उठाएं और जैसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ मॉडल्स पे एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाए, आप लोग नोट करते हुए चले, ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए. और उन फ्रेंड के लिए मैं एक बोलना चाहता हूँ, जो फ्रेंड जिनके पास नोटबुक और पेन इस टाइम अवेलेबल नहीं है, हो सकता है हर इंसान के पास एनी टाइम नोटबुक और पेन अवेलेबल नहीं रहता है, तो आप लोग ऐसा करें कि मतलब आप लोग वीडियो का स्क्रीन शॉट ले लें या फिर आप लोग वीडियो को सेव कर लें और आप लोग मेरे वीडियो को ऑफलाइन भी देख सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में मॉडल्स का क्या यूज है.
तो इसी के साथ अब हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है मॉडल, और मॉडल जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा वर्ब के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे मैं जानता हूँ ये टॉपिक नहीं है, बट यहाँ पे ये ज़रूरी है। इसके जस्ट बाद हम लोग मॉडल पे आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वर्ब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कोई भी काम करना इसको वर्ब कहते हैं, जैसे कि खाना पीना नहाना कुछ भी एनीथिंग, ये सारा चीज़ जो होता है इसको वर्ब कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं जानता हूँ कि वर्ब आज का मेरा टॉपिक नहीं है, बट यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं कुछ देर वर्ब के बारे में बताऊँगा, उसके बाद मैं मॉडल के बारे में बताऊँगा। जैसे कि लिशन, ये मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं। तो चलिए हम लोग अब बात करने वाले हैं लिसन के बारे में। तो लिसन हो गया फर्स्ट फॉर्म, और इसका सेकेंड फॉर्म होगा लिसेंड, और इसका थर्ड फॉर्म भी होगा लिसेंड। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे कि लिसन हो गया फर्स्ट फॉर्म, और इसमें आईएनजी जब लगाएंगे हम लोग तो ये हो जाएगा लिसनिंग। तो लिसनिंग हो गया, तो इसको भी फोर बोलते हैं वैसे, ये वर्ब की चौथी फॉर्म होती है। तो लिसन में हमेशा लिसन के बाद आईएनजी लगाना आप लोग को है, लिसेंड के बाद आईएनजी नहीं लगाना है। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं मॉडल्स पे। आज का हम लोग का टॉपिक है मॉडल्स, जैसा कि आप लोग को पता है। मैं यहाँ पे आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि मॉडल्स भी जो होता है ये भी एक तरह का वर्ब ही होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। बट ये वर्ब से बहुत अलग होता है, बट इसको आप लोग मॉडल्स वर्ब भी बोल सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। कमांड, कमांड देने के लिए हम लोग मॉडल्स का यूज़ करते हैं। रिक्वेस्ट देने के लिए हम लोग मॉडल्स का यूज़ करते हैं। परमिशन के लिए हम लोग मॉडल्स का यूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी बताने के लिए हम लोग मॉडल्स का यूज़ करते हैं। और ऑब्लिगेशन बताने के लिए भी हम लोग मॉडल्स का यूज़ करते हैं। तो आगे हम लोग ये जानेंगे कि एग्जाम्पल में हम लोग कैसे समझेंगे, तो आगे मैं जाके आपको एग्जाम्पल दूंगा। शैल, विल, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, नीड और ऑट टू, ये सारे के सारे मॉडल्स हैं। मॉडल्स को आप लोग मॉडल वर्ब भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बतलाया कि मॉडल्स जो होता है ये एक तरह का वर्ब ही होता है। आगे जाके मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको, तो आपके समझ में आ जाएगा। यू डू दिस, यहाँ पे ये एक सिंपल सेंटेंस है। अब मैं आप लोग को इसमें मॉडल ऐड करके बताऊँगा कि मॉडल इसमें कैसे ऐड करते हैं। और सबसे पहली बात आप लोग ये याद रखें कि कभी भी मॉडल्स का जो यूज होता है वो आपको वर्ब से पहले होता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि डू यहाँ पे वर्ब है, इससे पहले मॉडल लगेगा। तो चलिए यहाँ पे एक हम लोग मॉडल ले लेंगे, तो इससे आप लोग के समझ में अच्छे से आ जाएगा। और ऊपर जितने भी दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, ये सारे के सारे मॉडल्स हैं। मैं यहाँ फिर से रिपीट कर दूँ आपको, शैल, विल, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, नीड और ऑट टू। जैसा कि आप लोग यहाँ पे हम लोग यूज़ किए हैं मस्ट, यू मस्ट डू दिस, तो आप लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी वर्ब से पहले आप लोग मॉडल का यूज़ करें। शैल, विल, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, नीड और ऑट टू, ये सारे मॉडल्स हैं, बट सबका अलग अलग यूज़ है। जैसा कि यहाँ पे पहला है कमांड, मतलब कि जब हम लोग किसी को आदेश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वहाँ पे भी मॉडल्स का यूज होता है कमांड देने के लिए। चलिए एग्जांपल देके यहाँ पे देखते हैं हम लोग। और कमांड के लिए हम लोग मस्ट, शैल, विल यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, स्टूडेंट्स मस्ट कम इन यूनिफॉर्म, मतलब स्टूडेंट को जो है यूनिफॉर्म में आना ही होगा। तो मतलब यहाँ पे एक तरह से कमांड दिया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे मस्ट का यूज़ हुआ। आपको मैंने पहले ही बताया कि मस्ट जो है यहाँ पे मॉडल है, मॉडल वर्ब है। तो आप लोग इस तरह से आप लोग को बनाना है। नेक्स्ट एग्जांपल है, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रेन, स्टेट को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना होगा, ये यहाँ पे कमांड दिया जा रहा है। इसका मतलब आप लोग ये समझ ले कि आदेश दिया जा रहा है और इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि स्टेट को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना होगा। और ऊपर वाला सेंटेंस है, स्टूडेंट मस्ट कम इन यूनिफॉर्म, मतलब कि स्टूडेंट को यूनिफॉर्म में आना ही होगा। तो ये दोनों जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कमांड दिया जा रहा है। अगला सेंटेंस है, यू विल रीच ऑफिस टुमारो एट 10 AM, तुम्हें कल 10 बजे ऑफिस पहुँचना ही होगा। तो ये भी यहाँ पे कमांड दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि आपको टाइम पे पहुंचना ही होगा। तो इसी के साथ अब हम लोग चलेंगे अगले एग्जांपल पे। अगला एग्जांपल है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करने के लिए भी मॉडल्स का यूज होता है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जाता है कैन, कुड, विल, वुड, मे।
मतलब ये जितने सारे यहाँ मॉडल्स दिख रहे हैं, जैसे कि कैन हो गया, कुड हो गया, विल हो गया, वुड और मे, ये सारे मॉडल्स जो होते हैं ये रिक्वेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। कैन आई हैव 1 गिलास वाटर। पोलाइट बोलने के लिए और बहुत ही ज़्यादा विनम्रता से बात करने के लिए कुड का यूज किया जाता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। कुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। मतलब यहाँ पे जब आप लोग किसी से मदद मांगते हैं तो वहाँ यहाँ पे कुड का यूज़ होता है। विल यू डू दिस फॉर मी, क्या आप मेरे लिए कर सकते हो। तो ये मतलब रिक्वेस्ट हो रहा है। वुड यू लाइक टू हैव सम जूस, मतलब कि क्या आप थोड़ा जूस लेना पसंद करेंगे। तो यहाँ भी ये एक तरह से रिक्वेस्ट हो रहा है। तो जब भी किसी सेंटेंस में रिक्वेस्ट करना हो या जब भी किसी इंसान से बात करते समय आप लोग को रिक्वेस्ट करना हो तो वहाँ पे आप लोग कैन, कुड, विल, वुड, मे का यूज़ कर सकते हैं। मे आई सी मिस्टर गुप्ता, यहाँ पर भी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मे जो है ये प्लाइट के लिए यूज़ किया गया है। परमिशन, परमिशन लेने के लिए भी मॉडल्स का यूज किया जाता है। परमिशन लेने के लिए कैन, कुड और मे का यूज किया जाता है। कैन आई लीव नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ। कुड आई यूज़ इट नाउ, क्या मैं इसे यूज कर सकता हूँ। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो परमिशन लेने के लिए यूज़ होता है। प्रोबेबिलिटी मतलब कि संभावना बताने के लिए भी यहाँ पे आप लोग को मॉडल्स का यूज़ करना है। यहाँ पे आप लोग संभावना के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए आप लोग शैल, विल, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड और टू का यूज़ आप लोग को करना पड़ेगा। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है एनीबडी कैन मेक मिस्टेक। एनीबडी कैन मेक मिस्टेक, ये यहाँ पे सिंपल प्रोबेबिलिटी है, ये कोई भी मिस्टेक कर सकता है। द रोड कुड बी ब्लॉक्ड, मतलब कि रोड जो है वो ब्लॉक हो सकता है, मतलब कि इस बात की संभावना है, पूरी गारंटी नहीं है। जब संभावना होता है तो वहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं संभावना को। द क्लाउड्स आर डार्क सो इट मे बी रेन, मतलब कि बादल जो है वो काले हैं इसलिए वर्षा, मतलब कि जो है पानी हो सकती है। तो इस बात की भी गारंटी नहीं है, ये यहाँ पे ओनली प्रोबेबिलिटी है कि मतलब बादल काले हैं इसलिए वर्षा या पानी हो सकती है। तो जहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी होता है तो उस कंडीशन में आप लोग शैल, विल, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड और टू का आप लोग को यूज़ करना है। एडवाइस देने के लिए हम लोग को मॉडल्स का यूज़ करना है, जैसे कि शुड और टू, मस्ट, हैज़ टू, हैव टू और हैड टू, ये जितने भी सारे मॉडल्स हैं ये सब एडवाइस देने के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं और आप लोग नोट करते हुए रहें या फिर फ़ोन का स्क्रीनशॉट ले लें। यू शुड वर्क हार्ड फॉर बेस्ट मार्क, यू ऑट टू सर्व योर पेरेंट, यू मस्ट रीड इट बिकॉज इट इज़ वंडरफुल, ये सारे एडवाइस देने के लिए ये सारे सेंटेंस यूज किए जाते हैं। आई होप आज का वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो आप लोग को पता है क्या करना, आज की वीडियो को आप अपने उन सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं और इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे फिनिश हो रहा है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी पूरे बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ है तो बेहतर यही है कि अपने घर में रहें और सेफ रहें। बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार, उन्होंने पूरे बिहार में लॉकडाउन लगा रखा है। तो मैं यहाँ पे आपको एक और सजेशन देना चाहता हूँ कि अपने घर में रहें, सेफ रहें और कोविड-19 से बचें। तो इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।